जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा अभी जो कि नाभी एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप जो इन्वेस्ट भी कर सकते हो और लोन भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो नाभी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दे दिया कि अब आप लोग यहाँ पर उसमें UPI भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग फ़ोनपे गूगल पे और पेटीएम यूज करते हो उसी तरह से आप यहाँ पर जो है कि UPI अकाउंट क्रिएट करके वो भी आप यहाँ पर UPI भी यूज कर सकते हो। जैसे रिचार्ज करना, बिल पेमेंट करना, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना, ये सब भी आप यहाँ पर नाभी एप्लीकेशन से आप लोग यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। तो आज के अपने आप हम बतलाने वाले हैं कैसे आप यहां पर नाभी एप्लीकेशन में UPI अकाउंट क्रिएट करेंगे और कैसे पैसा ट्रांसफ़र करना है और आप लोगों को यहां पर क्या सब सर्विस मिला है, सारी जानकारी दोस्तों वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यहां से UPI अकाउंट क्रिएट करके आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हो या बिजली बिल जमा करते हो या किसी तरह का आप यहाँ पर बिल पेमेंट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर 10 रुपया से लेकर यहाँ पर जो है कि 100 रुपया तक का कैश बैक भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कैसे UPI अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आप लोगों को यहाँ पर कैश बैक मिलेगा, सारी जानकारी दोस्तों वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर हम देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपल सा करना कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नाभी एप्लीकेशन का, आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आप अपने मोबाइल में नाभी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं नाभी एप्लीकेशन का, आप डायरेक्ट जाके इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे मोबाइल नंबर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, आप यहाँ पर देखते हो यहाँ पर मोबाइल नंबर रिचार्ज करने का, उसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट करने का, बिजली बिल भी जमा कर सकते हो, डिटेल रिचार्ज कर सकते हो और आप लोगों को यहाँ पर बैलेंस चेक करने का, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, UPI ID, उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर से पेमेंट भेजने का भी ऑप्शन आ चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पर कैसे क्रिएट करना है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन, आपको सिंपल सा यहीं पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो यहां पर आ चुका है ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन, आपको सिंपल सा यहीं पर क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है आपका जो यहां पर बैंक में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है आपका यहाँ पर बैंक कौन सा है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। चलिए यहाँ पर मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर बैंक ऐड हो चुका है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर बैंक ऐड हो जाता है तो आपका यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट ये बन जाता है। तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है, आपको यहाँ से डायरेक्ट बैंक आना है। जैसे आप यहाँ पर बैंक आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर QR कोड भी बन गया है और आप लोगों को यहाँ पर कोई ATM का पिन वगैरह और यहाँ पर ATM नंबर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप यहाँ पर बैंक करेंगे, बैक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो यहां पर स्कैन करने का ऑप्शन है, आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो या दोस्तों आप यहां पर जो अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो। तो चलिए हम आपको अभी यहां पर बैलेंस चेक करके दिखाते हैं। चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अपना UPI पिन डालेंगे। जो आप फ़ोनपे गूगल पे में पिन डालते हैं वही पिन अब यहाँ पर डालेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पर MPIN भी डाल दिया, हम यहाँ पर जो डायरेक्ट ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जितना भी बैलेंस होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से आपको भी यहाँ पर अब बैलेंस देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर अगर पेमेंट करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है या नहीं, तो चलिए हम यहाँ पर जो है कि QR कोड स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर एक जगह पेमेंट कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पर पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ पर बिल पेमेंट करने से आप लोगों को पैसा मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल और डिटेल रिचार्ज वगैरह करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर जो है कि कैशबैक मिलने का चांस रहता है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर ज़्यादा बिल पेमेंट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर जो है कि कैशबैक आने का चांस रहता है। तो आप लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज करते हो उसी तरह से कर सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कर सकते हो, डेटा रिचार्ज भी कर सकते हो और आप यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर बिल पेमेंट आप कर सकते हो, लोन रीपेमेंट भी कर सकते हो, LIC पेमेंट भी कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारा सर्विस देखने को मिल जाता है, देखते हैं यहाँ पर लोन रीपेमेंट, LIC इंश्योरेंस, ये सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तब आप लोग यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज करना तो यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ पर हम पेमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्कैन करने का ऑप्शन है, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो और किसी के मोबाइल नंबर भी भेज सकते हो और UPI ID भी एंटर करके पेमेंट कर सकते हो और आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद आप यहाँ डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हो, नहीं तो आप अगर गैलरी में है क्यूआर कोड तो आप गैलरी से भी निकाल सकते हो। मेरा गैलरी में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ गया अमाउंट, यहाँ पर मांगा जा रहा है। हम यहाँ पर जो है अभी 20 रुपया ही ज़्यादा नहीं, आप यहाँ पर 20 रुपया भेज कर आपको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी एम पिन होगा आप यहाँ पर एम पिन डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर प्रोग्रेस में अभी यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है कि सक्सेसफुल हो चुका है आपका ट्रांजेक्शन, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रैच करने का भी ऑप्शन अभी आ चुका है, यहीं पर आपको यहाँ पर जो है कैशबैक मिलता है। अगर आप यहाँ से ट्रांजेक्शन करते हो ना भी एप्लीकेशन से तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कि कैशबैक मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रैच करने का ऑप्शन अभी आपके सामने में, यहाँ पर स्कैन करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर ना भी एप्लीकेशन में यहाँ पर 50 क्वाइन मिल चुका है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर जो कि 10 क्वाइन बराबर 1 रुपया होता है। देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 10 क्वाइन बराबर 1 रुपया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 100-200 रुपया तक का यहाँ पर कैशबैक आ जाता है, ठीक है। अगर आप बिल पेमेंट करेंगे तो ज़्यादा आपका यहाँ पर रिटर्निंग आता है, यानी कैशबैक आता है। उसके बाद यहाँ पर गेट कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो हमको यहाँ पर अभी 5 रुपया मिल चुका है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर कोई भी बिल पेमेंट करते हो या पैसा किसी को ट्रांसफ़र करते हो ना भी एप्लीकेशन से, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कैशबैक दिया जा रहा है। अगर आप भी फ़ोनपे गूगल पे चलाते हो तो आप इसे भी इंस्टॉल करके UPI क्रिएट इस तरह से कर सकते हो और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक ले सकते हो ना भी एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया कैसे क्रिएट करना है और आप लोगों को यहाँ पर कैसे कैशबैक प्राप्त करना है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो काम का लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।